आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे जांबाज रिपोर्टर्स इस वक्त डटे हुए हैं हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचाने में। गौरव सावंत हमारे सहयोगी और आशुतोष मिश्रा दोनों इस वक्त सीधा हमारे साथ इसराइल से जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब इतने घंटों के बाद जो टकराव की स्थिति है उसमें ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक बड़ी चुनौती है, उन्होंने कहा है कि हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दूंगा। कितना नुकसान वो वाकई पहुंचा पा रहे हैं और किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? प्रयास उनका यही है कि पूरी तरह से हमास के जो ठिकाने हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। अभी भी अगर आप मेरे ऊपर गर्जना सुन सकती हैं तो ये F-16 लड़ाकू विमानों की गर्जना है जो लगातार आज उड़ान भर रहे हैं और मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी भी हमास के पास वो क्षमता और वो शक्ति है कि हमास इस इलाके में, ये दक्षिणी इसराइल का वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है एश्कलोन का, जहां आज तीसरे दिन भी हमास के रॉकेट गिर रहे हैं, जानमाल का नुकसान आज भी हो रहा है और तीन बार तो हम लोगों को भागकर एयर रेड शेल्टर में छिपना पड़ा क्योंकि रॉकेट आ रहे थे। हालांकि आयरन डोम सिस्टम इनका है, वो कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन एक के बाद एक इतने ज्यादा रॉकेट आते हैं कि आयरन डोम सिस्टम जब तक इनका रीलोड करता है तब तक कुछ ना कुछ रॉकेट यहाँ दुकानों में, बैंकों में, घरों में, सड़कों पे नुकसान पहुंचा ही देते हैं। जानमाल का नुकसान अभी भी हो रहा है। तो अंजना, ये आपको दिखाता है कि अभी भी शक्ति और क्षमता हमास के पास है और इसकी एक वजह है जो चुनौती का जो आपने जिक्र किया अंजना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जनों है या सैकड़ों, 100 से ज्यादा जो यहाँ पर इसराइल के नागरिक है जिनको बंधक बना लिया है हमास ने और जो टनल्स है, गुफाएं हैं और सुरंगें हैं उनमें छुपा कर रखा है, जब तक उनको सुरक्षित नहीं लाया जा सकता तो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव ले जाना बहुत मुश्किल होगा बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए। हालांकि फिर भी वो इस ऑपरेशन को अंजाम लगातार दे रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, इसके बाद आशुतोष आपके पास आ रही हूँ। हमास ने मांगी है लेबनान के कट्टरपंथी गुट से मदद और हिजबुल्ला का शामिल हो जाना किस तरह की बड़ी चुनौती बन रहा है। और अभी से ही जानकारी ऐसी आ रही है आशुतोष कि किस तरह से हिजबुल्ला की मदद से भी, मतलब वहां से भी कुछ रॉकेट मोर्टार्स फायर किए जा रहे हैं सीधा इसराइल में, यानी कई फ्रंट्स पर एक बड़ी चुनौती बन सकती है ये इसराइल के लिए। आशुतोष, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले अंजना इसराइल एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि लेबनान के कई शहरों में इसराइल एयरफोर्स की कार्रवाई चल रही है और किस तरह के टुकड़े वो मोर्टार, ये देखिए एक रॉकेट का शेल है जो इस समय मेरे हाथ है। हम जहां पर थे, दरअसल मेडिटेरेनियन सी के पास भी एक हिस्सा जब पूरा रॉकेट गिर करके आया, वहां कई जगह हमने देखे हैं घरों को नुकसान हुआ, अस्पताल पर शनिवार को हमला हुआ था, ये उसी का एक हिस्सा है जो मेरे हाथ लगा था। और इसके कवच से पता चलता है कि ये साधारण तौर पर कोई देसी बम या जुगाड़ नहीं है, ये उन्हें कहीं से डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाला रॉकेट का ही एक टुकड़ा है। इतना ही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय जेरूशलम में भी एयर अलार्म बजाया गया, सायरन बजाया गया, यानी खतरे की घंटी है। जेरूशलम में आज सुबह से 6 बार एयर सायरन दिया गया है। लेबनान की ओर से दरअसल शनिवार को, रविवार को रॉकेट गिरे थे लेकिन वो एक एक थे। आज सुबह जबकि यहां के समय स्थानीय समय अनुसार करीबन 8 से 10 रॉकेट का पूरा बैराज, और चूंकि उसको जो आयरन डोम सिस्टम है उसने उसे गिरा दिया था। दरअसल एक चीज अब ये समझ में आ रही है अंजना कि हमास की ओर से जो हमला किया जा रहा है वो इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट भेज रहा है, उसे शायद ये क्षमता पता है कि आयरन डोम से निकलने वाले जो रॉकेट काउंटर स्ट्राइक हैं, काउंटर मेजर्स, उनकी क्षमता कितनी है। ऐसे में ज्यादातर रॉकेट गिरा दिए जाते हैं लेकिन जो हिस्सा बच जाता है वो शहर में कहीं गिरता है। हम जिस इलाके में थे एश्कलोन में, हमने वहां रॉकेट गिरता हुआ देखा पूरा सब कुछ। लगभग 3 मिनट के अंदर आप समझिए कि 2 घर उड़ चुके थे, गाड़ियां जल चुकी थी और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी के पास जो सीमा थी वहां एक छोटी सी नाव थी वो जलकर राख हो गई, वहां धुआं धुआं हो चुका है। और निशाने को देख के लगता है कि हमास सीधे सीधे स्थानीय लोगों को निशाना, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है और जंग में चूंकि वो लोगों को घसीट रहा है, ऐसी मंशा ना होती तो स्थानीय लोगों को वो किडनैप नहीं करता। इनफैक्ट मैं जहां खड़ा हूं हमारे पीछे आसपास कई ऐसे छोटे छोटे पॉकेट है जहां बंकर है, शील्ड है और लोगों से कहा गया है कि रात को अंदर रहें, रात को लाइट ना जलाएं। आज की रात यहां एश्कलोन में ग्राउंड जीरो पर लोगों के लिए काफी भारी है, इसराइल के लिए भी स्थिति काफी मुश्किल है। अंजना, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लेबनान पर इजरायली सेना ने हमला किया है, यानी यहां पर भी काउंटर अटैक और इजरायल ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराए हैं, जो खबर इस वक्त आ रही है लेबनान पर यह इजरायली सेना का हमला है।
इसराइल पर हमले के बाद दुनिया पर मंडरा रहे खतरे की। आज दुनिया की नजरें इसराइल और गाजा पट्टी पर टिकी हुई हैं। भले ही बारूद के धमाकों को गाजा पट्टी और इसराइल की धरती पर सुना जा रहा हो, लेकिन इसकी धमक ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया। इसराइल के पक्ष में दुनिया के कई मुल्क खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने तो मदद के लिए सैन्य बेड़ा तक रवाना कर दिया है। दूसरी तरफ हमास के सपोर्ट में कई मुल्क लामबंद हो चुके हैं। पर्दे के पीछे से हमास के आतंकियों को विनाशक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अगर आज दुनिया पर महायुद्ध का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है तो उसके पीछे है दो गुटों में पट रही दुनिया। क्या इसराइल के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध इतना विनाशकारी रूप अख्तियार कर लेगा कि विश्व युद्ध छिड़ जाए? क्या इसराइल पर हमले के सपोर्ट में ईरान से लेकर तमाम मुल्कों में जश्न की ये तस्वीरें दुनिया को दो धड़े में बांट देंगी? क्या इसराइल के घर में घुसकर करीब 800 बेगुनाहों के कत्लेआम का बदला इतना बड़ा होगा कि 2023 में विश्व युद्ध पक्का है? क्या गाजा पट्टी से दागे जा रहे रॉकेट और इसराइल की तरफ से जारी एयर स्ट्राइक आने वाले चंद घंटों में गाजा पट्टी को महायुद्ध के फ्लैश पॉइंट में बदल देगी? क्या जैसे ही अमेरिका का जंगी बेड़ा पहुंचेगा, इसराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी को बम और बारूद से बर्बाद कर देंगे? यकीन मानिए, इसराइल और गाजा पट्टी से दुनिया के सामने आ रही तस्वीरें डराने वाली है। बारूदी तस्वीरें देखकर यही समझ में आता है कि गाजा पट्टी की जंग कहीं दुनिया को महायुद्ध में ना धकेल दे, क्योंकि ये तस्वीरें बताती है आज दुनिया महायुद्ध से बस एक कदम दूर है, यानी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी। ये खतरा वाकई बड़ा है, क्योंकि इसराइल की सेना दुनिया की टॉप ताकतवर सेनाओं में एक है। अगर हम इसराइल की जो मिलिट्री पार है उसी को देख लें तो इसराइल के पास 90 एटमी हथियार हैं, यानी परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स। अगर सैनिकों की बात की जाए तो इसराइल के पास करीब 6,46,000 सैनिक हैं, 2,200 विध्वंसक टैंक उनके पास है। इसराइल के एयरफोर्स में करीब 241 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 भी शामिल है। मतलब हमास से इसराइल का इंतकाम गाजा पट्टी की बर्बादी के बाद ही पूरा होगा। युद्ध के मैदान की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बीती रात की हैं, जब रात के घुप अंधेरे में गाजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट दागे गए। जमीन से लेकर आसमान तक बारूद ही बारूद नजर आता है। मतलब हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला जारी है। बड़ी बात यह कि अब की बार हमले का तरीका एकदम अलग है। तस्वीर नंबर एक, आधी रात रॉकेट अटैक। तस्वीर नंबर दो, आसमान से बरसता बारूद। हमास आतंकियों ने दनादन रॉकेट दागे। रॉकेट हमले का इसराइल पर क्या असर हो रहा है, आप कैमरे में कैद तस्वीर से समझिए। किसी तरह शख्स ने अपनी जान बचाई, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं। इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक जोन गाजा पट्टी और इसराइल है, जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कदम कदम पर जान का जोखिम है। ये तस्वीरें इसराइल के खिलाफ छेड़े गए युद्ध से उठे महायुद्ध के खतरे का सबूत, क्योंकि हमास के एक रॉकेट के बदले इसराइल 10 एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है। ये मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ रॉकेट फट रहे हैं, ये यहाँ लगातार रॉकेट फट रहे हैं। हमारी इकलौती टीम है, मैं जो आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तस्वीर नंबर तीन, एक रॉकेट का बदला 10 एयर स्ट्राइक से हमला। हमास के दहशत गर्दों ने इसराइल पर पूरी तैयारी के साथ अटैक किया। जमीन पर हथियारबंद हमलावरों ने बुलडोजर से फेंसिंग को ढहाया। तो आतंकियों ने इसराइल में घुसने के लिए पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल किया। इस तरह हवा में उड़ते हुए इसराइल का बॉर्डर पार कर हमले को अंजाम दिया।
हमास के आतंकियों ने इसराइल को दहलाया तो इसराइल की सेना ने एक रॉकेट के बदले गाजा पट्टी में 10 हवाई हमले किए। करीब 1000 ठिकानों पर इसराइल ने आसमान से अटैक किया। ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक की है। हमास के ठिकानों पर इसराइल का बारूदी बदला देखिए। कई मंजिला इमारतें देखते ही देखते बारूद के हमले में जमीन दोज हो गई। ऐसे ही सैकड़ों इमारतों पर इसराइल पूरी ताकत के साथ बम गिरा रहा है। चुन चुन कर गाजा पट्टी के उन ठिकानों पर आसमान से गोला बरसाया जा रहा है जहां से इसराइल की जमीन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास के आतंकियों को अब इसराइल की सेना घर में घुसकर मार रही है। बारूदी हमले की वजह है बेगुनाहों पर हमास का हमला। हमास आतंकियों ने इसराइल में घुसकर हैवानियत की सारी हदों को लांघा, बेगुनाहों को गोली मारी, महिलाओं और लड़कियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। इस वक्त इसराइल की सेना और हमास के आतंकी आमने सामने, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग जारी है। जमीन पर सेना और आतंकियों के बीच युद्ध है। तो आसमान में रॉकेट बनाम एयर स्ट्राइक की जंग जारी है। इसराइल के समर्थन में दुनिया के कई बड़े मुल्क आ गए, तो हमास के सपोर्ट में भी कई मुल्क सामने से उतर आए हैं। मतलब ये लड़ाई किसी भी वक्त दो गुटों की लड़ाई में बदल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध तय मानिए।